हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं उत्तम नगर दादी के घर, और हम जा रहे हैं, मैं तो बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, ये लोग तो गए भी नहीं। मैं भी बहुत टाइम बाद, मेरे जितने टाइम के नहीं, मैं करीबन 8 साल के बाद जा रही हूँ। मैं 2016 में गई थी, मैं 8 से 9 साल के बाद जा रही हूँ। 16 में गई हूँ, 5-6-7-8 साल हो गए तुम्हारे से ज्यादा। तो मैं उससे पहले से गई हूँ, मतलब 10 या 11 में गई हूँ। नहीं नहीं, 2009 या 8 में गई हूँ। हाँ, वही तो बोल रही। हाँ, तो ये बहस आप मत ध्यान दीजिए। तो हम लोग जा रहे हैं दादी के घर। हाँ, ये तो होती रहती है। तो वहाँ जाके अभी कल के जैसा, हम कल तो खैर हमने कुछ नहीं किया, कल हमने सिर्फ चिल किया। हम घर पे थे, बहुत ज्यादा थक गए थे, इतनी भी ताकत नहीं थी कि कुछ काम कर ले या कहीं निकल भी जाएं। बट प्लान्स तो बहुत सारे थे, जैसे आज का भी प्लान था कि हमें वाटर पार्क जाना था, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ ज़िंदगी में पूरी हो। इसीलिए अभी तो चलो उनके पास जा रहे हैं, देखते हैं वो कैसी हैं, ठीक कर देंगे, ये जोक था। तो हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने काफ़ी सालों बाद, और चलिए वहाँ चल के देखते हैं कि कैसे है, कैसी है वो, कैसा है। और ये है ना, ये महारानी मेरी बेटी छोटी वाली, इसको जब जब मैं कैमरा उठाऊं या कुछ करूं तो इसको तभी रोना होता है और तभी इसको मेरे पास आना होता है। मैं कुछ भी इसकी वजह से नहीं कर पाती, बस इसे मैं चाहिए हर वक्त। तो बंदर देखे बाहर जो बच्चे लिपट के रहते हैं, ये वैसी मेरे से रहती है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। टनल का लो, ये टनल है। कुछ तो तुम्हारा वो आएगा, सीन आएगा अच्छा, है ना। अभी का आगे बैठकर अच्छा सीन आता है ना, तो तुम आके फिर चेक करो ना, नानी हमारे साथ पीछे चिल कर लेंगी। कोई नहीं ब्रो, नहीं इस बार नानी को सबसे पीछे भेजना है, मैं बैठा हूँ आगे। नानी ये वो है। सुबह में भी हम लोग पहुँच चुके हैं, बेबे लड़के हैं, और हम लोग अम्मी के सूट पे तो कीचड़ मार के चला गया था। और ओला वालों के इतने नखरे हैं, पता नहीं क्या हो जाता है यहाँ ओला वालों को, एसी नहीं चलाना, गाड़ी बंद कर देना, इतना पारा हाई हो जाता है। किसी से तो होगा मेरा झगड़ा दिल्ली में, बस अभी ये है नानी, वो है दादी। दादी से मिली हूँ 17 साल में, मतलब मैं 10 साल की होंगी आरजू की उम्र की जब आई थी। और नानी आई है पहली बार रिश्ता होने के बाद, पहली बार यहाँ आई। ये लोग हम भूखड़ों के लिए नाश्ता भी लग गया, बहुत मुंबई के मुकाबले दिल्ली की में मतलब नमकीन बिस्कुट की वैरायटी नाश्ते की थोड़ी ज्यादा है। हम मैं लेके तो जाऊंगी, ये नमकीन अच्छी उधर भी थी, कल वाला भी अच्छा था ना, आज दुकान का। हाँ, परसों एक पैकेट में क्या बना।
रास्ते में वो है ना नारियल वाला, रास्ते में किसको खिलाऊं? आओ आप भी खाओगे? बाबा मैं बहुत था इतना ना भी काल लगते एक तो काल है मेरा दोस्त यही चलता है नानी यही है यही खाते हैं ये चलता है या वो ब्लैक फॉरेस्ट हाँ मतलब तुझे हिस्से का केक नानी को पूरा खाना पड़ेगा इंदा आओ बेटा इधर आओ आओ इधर आओ माँ कम है आपको नहीं खाना केक नहीं खाना किंजा तो किसी भी जगह आके ऐसे हो जाती है जैसे कितने सालों से आ रही हो मैं केक पे टूटी हूँ पूरी डाइट की माँ मैंने उसके बिचारे के बाल कटे ये वो सेवी दिखने लगे बिल्कुल मुंबई में डाइट से करना पड़ेगा ठीक हो अगर तुम्हें डाइट मेरी बात कर कायनो आओ आओ क्या हुआ नानी पान मिल गया नानी को तो दोनों सास बहु सेम ही लगती हैं देखो और ये नानी अपनी सोच और ख्यालों में डूबी हुई तुम्हारे नवासी ने तो टैक्सी वाले को तुम्हारा आदमी बना दिया नाम भी बता रहा था जहरुन्निसा अगर उसको नाना बना दो बोला था नंबर भी है नंबर लेके दे दो हो सकती है मैंने कहा नंबर रखना पिन का बात करेंगे घर पे जाके बोलते नंबर रखना बस करेंगे ढूंढना क्या है वो है तो जिनको भी गाली बकती है तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही शराब कर दिया अरे दिमाग खराब कर दिया मेरा तो गाइस आपने देखी मेरे फादर की फोटो वो एक ही फोटो अभी है हमारे पास और फोटो नहीं है मेरे पास थी बहुत पहले बट किंजा ने मेरा पर्स में से उसको कहीं मिसप्लेस कर दिया बट वो एक फोटो है एक पेंटिंग भी थी मैंने पूछा उस पेंटिंग के बारे में बट वो पेंटिंग अभी नहीं है उधर हम लोग अभी कर रहे हैं डिनर के बाद निकलेंगे आई नो अभी मैं भी चलने पे ही हूँ लेकिन पिटा दिया यहाँ भी उन्होंने अरे पार अरे घर भी आना फिर आऊंगी इंशाल्लाह तो बहुत टाइम के बाद मैं तो खुद रह के जाना हाँ
आप आओ मुंबई आओ, अभी मैं आती रहूंगी नमकीन, इंशाल्लाह हो गई ना शादी, अब आना दो तरह ठीक है, आप भी रखिए ठीक है, फिर मिलेंगे। तुम्हारी बच्चियों को चलो 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 तुम्हारी तुम्हारा प्यार रहेगा, तुम्हें जिंदा हाँ हम लोगों का प्यार है। चलो चलो खिंजा जिसे जिसे चलानी हो पेट्रोल डालो, चलो पेट्रोल डालो और चलो यार चलो सरकारी हो गई। क्लब नहीं जा रहे, मतलब कैफे जा रहे हैं ना, कैफे जा रहे हैं, वहाँ जाके हम लोग करने वाले हैं फन। और मेरी बहन के देवर के लिए कोई रिश्ता हो तो प्लीज बताना, मैं उसको भी जरूर अपने ब्लॉग में डालूंगी। बेचारा सिंगल है, वहाँ बैठा है, शर्मा रहा है। अरे हाय तो कर दो, बाय बाय। सो हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। अच्छा खुद को शर्म आ रही है। ये गली वही इसका नाम है चंपा, यहाँ वो है ना किसी बर्थडे। तुम लोग आ गए चुपी, वो है अनम का देवर। किसी को कोई सिंगल है और किसी को मिंगल होना है तो कॉल। हम लोग बस पहुंचे हैं, फैन अच्छा चल रहा है ना, मुझे अच्छी लग रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है इधर। दोनों लोग पागल हो गए हैं, सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करे जा रहे हैं, मेरी कोई नहीं कर रहा इनमें से, कर रहा है हम जा रहे हैं घूमने तीजी तीजी। मैं बेटी को मिस कर रही थी, मेरी बेटी आ गई। आई लव यू। सो गाइस हम लोग पी चुके हैं शीशा और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। किंजा भी आ चुकी थी, चलो आ जाओ चलो चलो हम चलो चलो यहाँ पे हुआ हुआ है यहाँ पे आ जाओ मेरा बैग चलो। तो हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, ये हो गई हमारी पार्टी छोटी सी, जैसे होनी चाहिए वैसी। अरे बेटी बोल रही थी इतना टिक्का विक्का खा लिया ना, मेरे पेट फुल हो गया। इतने सालों बाद मैं इन सड़कों पे इस तरीके से घूम रही हूँ ना, सीरियसली आई कैन बिलीव माई सेल्फ कि मैं अभी भी यहाँ ऐसे घूम रही हूँ। मुझे लगा भी नहीं था कि कभी मैं इस तरीके से यहाँ घूमूंगी, बट इट्स नाइस। सो हम लोग अभी खड़े हैं रास्ते के बीच में और कैब नहीं है। अनी कुछ कहना चाहोगी इस पे? चलता है। क्या हो जाता?
हम लोग आए हैं अभी साकेत टीवी यार बट यहाँ एक 24/7 है जिधर मैं बहुत पहले आया करती थी और यहाँ का पिज्जा मैं हमेशा खाती थी वो वाला आई हैव राइट टाइम से अबे वो चाहिए ले लो ना चार जिधर हम घूम रहे हैं कौन देखेगी मुझे नहीं पता मेरी बहुत सारी यादें हैं बट आनी का हस्बैंड तो हॉट डॉग ले रहा है हॉट डॉग I'm sorry guys, they didn't allow me to record inside. I don't know why they did that. So hello guys, thank you for watching. And if you like my video, please like, share and subscribe to my channel. And if you want to say anything about it, please comment down below. बाकी ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा vlog. Thank you for watching. Bye bye.